दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। रोहतास जिले के झंझरा करूब गांव के पास अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से सड़क निर्माण में कार्य कर रहा एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर अररिया जिला के रहने वाला अनिल कुमार बताया गया है। कार्य कर रहे वहाँ के अन्य मजदूरों ने बताया कि करूब के पास सड़क निर्माण कार्य के दौरान अनियंत्रित पिकअप ने टक्कर मार दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल मजदूर को गंभीर हालत में सदर अस्पताल लाया गया है, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आगे बता दें कि घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर के शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराकर अगली कार्रवाई जारी रखी है। घटना कैसे हुआ था? घटना हुआ था, काम करते हैं ये लोग, काम लोग करते सब प्लाजुन किनारे सब अलकतरा मकतरा बिछ रहा था, रोड किनारे साइड में काम किए हुआ है गाड़ी लेकर उधर से। हम लोग कम से कम वहाँ से 3-2.5 किलोमीटर दूर चल गए आया, एक बार के दम मारा कि वो भी कि हम लोग घर के साथ वो आदमी ले गया, नहीं हम लोग भाग गए तो हम लोग भी जानते रहते हैं। कहाँ पर घटना हुआ? घटना हुआ करूब जो रहता है ना, आलमपुर रहता है करूब जाता है चलते सीधे नीचे, उसी के चलते से मंजिल रहता है बेटा से कट गया है, जाता है आलमपुर रास्ता चलता है सिहारी हुई वही रोड के बीच में करूब के आगे जाता है वो पुल, वही पुल के पास घटना हुआ है 10 नंबर का। किस तरह का काम हो रहा था? अलकतरा का काम हो रहा था, रोड बंद रहता है, बगल में रोड बंद रहता है साइड रोड, वही रोड में हम काम करते हैं। क्या चीज़ धक्का मारा? गाड़ी मारा है, पिकअप नहीं मारा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये है अररिया जिला के, अररिया जिला के रहने वाले हैं। क्या नाम? क्या नाम? जमीन नाम। यहाँ काम कर रहे थे? हाँ यहाँ पर काम कर रहे थे, आज यहाँ पर काम पैदा हो गया तो भाई मेरा 3 महीने काम करते हो गया, कंपनी का नाम है बालाजी, बाद में काम करते हैं कम से कम 45-40 लेबर काम करते हैं, मुझसे प्राजों से लेकर कम से कम 200 आदमी हैं हम लोग वहाँ पर कंपनी में। क्या नाम है आपका? श्री भगवान। कौन है आप? वो हमारा दुकान भाई तो नहीं, मगर हम लोग लेबर है तो मैं भाई बन रहे हैं, सब साथ में कमाते हैं, खाते हैं कमाते हैं, हम लोग साथ ही जाते हैं, सोचते हैं मेरे के साथ सोते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।